प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनावों के सफल संचालन के लिए मंडी जिला में भी कर्मचारियों को चुनावों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण मंडी जिला के सभी खंडों में 3 बार दिया जाएगा। अब पंचायती राज चुनावों को अंतिम रिहर्सल 15 जनवरी को होगी और इसी दिन पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों की तरफ रवाना किया जाएगा। इसी के चलते मंडी के बिपाशा सदन में पंचायत चुनावों को लेकर पीठासीन व मतदान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सदर निवेदिता नेगी व जिला पंचायत अधिकारी ने सभी अधिकारियों और पीठासीनों को मतदान प्रक्रिया को सक्रियता, निष्पक्षता व सफलतापूर्वक पूरा करने को लेकर निर्देश दिए। प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान अधिकारियों द्वारा संबंधित कर्मियों को बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराने, मतदान पेटी को व्यवस्थित रूप से खोलने व बंद करने आदि का प्रशिक्षण भी दिया गया। मंडी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋत्विक ठाकुर ने बताया कि जिला में चुनावों के लिए पीठासीन अधिकारियों को 11 जनवरी से 15 जनवरी तक सभी खंडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 तारीख को अंतिम व तीसरी रिहर्सल के बाद पोलिंग पार्टियां चुनाव करवाने के लिए रवाना हो जाएंगी। उपायुक्त ने कहा कि जिला में 5,000 के लगभग कर्मचारियों को पंचायती राज चुनाव 2021 को लेकर रिहर्सल करवाई जा रही है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में 17, 19 व 21 जनवरी 2021 को पंचायती राज के चुनाव होना तय हुआ है। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्य का मतदान होने के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं पीडीसी व जिला परिषद सदस्य का परिणाम 22 जनवरी को घोषित किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को 3 ट्रेनिंग्स दी जाती है, 3 रिहर्सल्स की जाती है, जिसमें कि एक रिहर्सल पहले हो चुकी है और इस हफ्ते पिछले कल से अलग अलग ब्लॉक्स में दूसरे रिहर्सल की प्रक्रिया चल रही है। आखिरी रिहर्सल सभी पोलिंग पार्टीज के लिए 15 तारीख को रखी गई है, जिस दिन पोलिंग पार्टीज यहाँ से डिप्लॉय की जाएंगी अपने अपने पोलिंग स्टेशंस के लिए। वो पोलिंग पार्टी जो 15 तारीख को डिप्लॉय किए जाएंगे वो 17 का चुनाव करेंगे, उसके बाद में अगली पंचायत में 19 का चुनाव करेंगे और उसके अगली पंचायत में 21 तारीख को चुनाव करेंगे। उसी टाइम पे उन तीनों पंचायतों में जहां चुनाव करेंगे, शाम को चुनाव के बाद वहां पर रिजल्ट्स की भी घोषणा करेंगे, रिजल्ट्स भी काउंटिंग करेंगे उसमें, और जो पंचायत समिति और जिला परिषद के इलेक्शन होंगे उसके लिए प्रक्रिया के माध्यम से बैलेट बॉक्सेस हमारे स्ट्रांग रूम में आएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में जिला मंडी में जो पंचायती राज संस्था के चुनाव करने के लिए 5,000 एम्प्लॉयज इसमें लगाए गए हैं, जिनकी ट्रेनिंग इन 3 चरणों में चली हुई है। और ट्रेनिंग हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर करने के लिए, उसमें कोई गलती ना हो, स्मूथ तरीके से इलेक्शंस करवाने के लिए सभी लोग प्रॉपरली ट्रेंड हो, ताकि वो जब वहाँ पर जाए तो अच्छे से इलेक्शन हर पंचायत में करके वहाँ पर जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर करके फिर अगले इसमें अगले पड़ाव पे आगे चले। तो ट्रेनिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सभी जगह पर हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, हैंड्स ऑन बैलेट बॉक्सेस को लेकर भी ट्रेनिंग की जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया जिले भर में चली हुई है। मेरा इस पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया में सभी लोगों से अपील है कि बढ़ चढ़ कर आगे आए और अपना मत का प्रयोग, जिस दिन आपके इलेक्शन होने वाले हैं 17, 19 और 21 तारीख को, वहाँ पर बढ़ चढ़ कर आए और अपना मत का प्रयोग अवश्य करें।